नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो यार, स्पॉट राउंड जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि कब से स्टार्ट होगा, उसकी आईपी यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपडेट दे दी है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड का जो लेटेस्ट नोटिस आया है 24 कोर्सेज का, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोगों को सारे के सारे जो भी पॉइंट्स उसके अंदर लिखे हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो यार देखो, अभी इस नोटिस के अंदर ना जो कि 24 कोर्सेज के लिए अप्लाइड है, जिसके अंदर बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीजेएमसी, बीसीए, एमसीए और अलग अलग कोर्सेज हैं। तो इन नोटिस के अंदर ना बेसिकली काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बच्चों को इजीली समझ में शायद ना भी आ पाए, या फिर ये कह सकते हैं काफी बच्चों को नहीं समझ में आ रहे हैं। शुरू करते हैं इस नोटिस को स्टार्टिंग से पढ़ना और मैं आपको शुरू से एंड तक एक एक पॉइंट पढ़ के सुनाऊंगा। अब इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कौन से बच्चे एलिजिबल है स्पॉट राउंड के लिए। तो सबसे पहला इसमें ये लिखा हुआ है कि एडमिटेड स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है कॉलेजेस के अंदर, 40,000 पे करे एंड उसके बाद फुल फीस पे कर दी है, मतलब आपका कंफर्म एडमिशन हो चुका है, तो वो लोग भी स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, कौन से बच्चे हैं जिन्होंने 40,000 भरे थे लेकिन एडमिशन नहीं लिया है किसी भी कॉलेज के अंदर और 40,000 आईपी यूनिवर्सिटी के पास आपके रखे हुए हैं, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। थर्ड आता है जिन्होंने 40,000 भर दिए थे बट विड्रॉल के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, तो आप लोग भी एलिजिबल रहेंगे। थर्ड के बाद आते हैं हमारे फोर्थ, जिन्होंने 40,000 रुपए भी नहीं भरे थे, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ पहले का प्रोसीजर कर रखा है बट 40,000 रुपए नहीं भरे थे और आपका कोई भी कॉलेज के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो आप लोग या फिर सीट अलॉट हुई थी तब भी 40,000 नहीं भरे, आप भी एलिजिबल रहेंगे। लास्ट आता है जो कि 1200 और 1000 जो आप लोगों को फॉर्म के और काउंसलिंग के भरने थे, आपने अगर वो भर रखे हैं, जिन लोगों ने वो भी फीस भरी हुई है या फिर नहीं भरी हुई, लाइक अभी हम कह सकते हैं नहीं भरी हुई और भरी हुई, उनका हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अगर आपने 1200 और प्लस 1000 रुपीज भरे थे तो आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे स्पॉट राउंड का क्या प्रोसेस रहने वाला है इस बार। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा स्पॉट राउंड के अंदर। सेकंड, आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। थर्ड, आप लोगों को ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने का मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग को। फोर्थ, आप लोगों को रिटेन करने का यहाँ पे फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपकी सीट रिटेन किस केस में रहती है, अगर आपको कोई भी नया कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी पुरानी जो भी सीट अलॉटेड थी, मतलब जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है, वो सीट आपके पास रहेगी अगर आपको न्यू कॉलेज नहीं मिलता स्पॉट के अंदर तभी। बट अगर आपने जो भी चॉइसेस डाली उनमें से कोई भी एक कॉलेज मिल जाता है, चाहे वो जैसा भी हो, आपको उसको लेना पड़ेगा क्योंकि तब आपकी सीट रिटेन नहीं रहेगी। तो ये दो पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। अगला आता है कि अब भाई जो डेट्स है वो क्या है, वो 30th सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक की इन्होंने डेटिंग दी है, मतलब आप कल से लेकर 6 तारीख तक अपना जो फीस है वो पे कर सकते हैं। फीस कितनी है ये भी इन्होंने दो तरीके से बताया हुआ है। सबसे पहला जो है, जिन्होंने 1000 रुपीज पे करे थे, मतलब 40,000 नहीं कर रखे एंड ऑल वो सब हटा दो, सिर्फ 1200 प्लस 1000 पे करे हुए थे, उन लोगों को कितने भरने हैं, मात्र 500 रुपीज, मतलब 500 रुपए। नेक्स्ट, जो बच्चों ने 1000 रुपए नहीं भरे थे, ठीक है, जो मतलब 1200 के बाद 1000 काउंसलिंग के नहीं भरे थे, उनको क्या करना है, उनको 1000 तो भरने हैं प्लस 500 भरने हैं, तो 1500 रुपए उन बच्चों को भरने हैं। तो ये दो टाइप्स में कर रखा है। इसके अलावा ना जो मास्टर्स के कोर्स है हमारे MCA, LLM और साथ ही साथ एक बैचलर कोर्स LLB, इन तीनों कोर्सेज के लिए ना, जिन बच्चों ने 1200 रुपए भी नहीं भरे थे, उन बच्चों के लिए भी एक अच्छी बात है, गुड न्यूज है कि आप 1200 प्लस 1000 प्लस 500, मतलब ये पूरा टोटल सम 2700 रुपए भर के आप स्पॉट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपने 1200 नहीं भरे थे, मतलब आपने फॉर्म भी नहीं भरा आईपी का, तो आप सिर्फ तीन कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं, डायरेक्ट मतलब स्पॉट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, MCA, LLM और LLB, ये तीन कोर्सेज हैं। नेक्स्ट आता है, आईपी यूनिवर्सिटी ने बोला है अगर आपको फर्दर अपडेट चाहिए स्पॉट राउंड की, तो आप ipu.admissions.nic.in इनकी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स और नोटिसेस। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज रहेंगे कि भैया जो भी सीट्स बची है, वेकेंट सीट्स, उनका नोटिस कब आएगा। तो आईपी यूनिवर्सिटी के इसी वेबसाइट के ऊपर एक सीट इनटेक करके मतलब इन्होंने बना रखा है सीट इनटेक 2022 से 2023 तक का, उसको आप चेकआउट करते रहना, ठीक है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अभी वेकेंट सीट्स फॉर MBA लिखा रहा है, उसके अंदर लास्ट वेकेंट सीट्स फॉर सारे ये 24 कोर्सेज, इन सब की वेकेंट सीट्स आएगी, ठीक है, हर कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स बची हुई है आपको पता चल जाएगा उस लिस्ट के थ्रू। अभी फिलहाल 6 तारीख तक का आपका टाइम है, आप अपने एनरोल कर सकते हैं स्पॉट राउंड के अंदर। एंड इसके अलावा, अगर मुझे अभी ये नहीं पता कि चॉइस फिलिंग करते स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, तो अगर होती है तो अच्छी बात है, आप उसको चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। बाकी फर्दर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।